रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला वो बीआरएस पार्टी के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव 5 फरवरी को नांदेड़ शहर के गुरुद्वारा ग्राउंड में एक उमूमी जलसे से खिताब करेंगे। के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी बीआरएस के ज़रिए कौमी सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो अपनी पार्टी को मुतारफ़ करवाने के लिए रियासत महाराष्ट्र का रुख किए हुए हैं। 5 फरवरी को वो एक उमूमी जलसे से खिताब करेंगे और अपने पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले नए कारकुनान का इस्तकबाल करेंगे। के चंद्रशेखर राव की क़यादत में होने वाले उमूमी इजलास को कामयाब बनाने के लिए और अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उमूमी जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। शहर के पीरबरन इलाके में भी उमूमी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के करम से इस जलसे को हमने कामयाब किया। इस जलसे के अंदर हमारे ज़हीराबाद के खासदार बीबी पाटिल साहब और मानिक राव साहब, माजी आमदार फरीद साहब, ज़हीराबाद के जो रेलवे के चेयरमैन हैं, उन्होंने हर लोग यहां पे तशरीफ़ लाए और जलसे को कामयाब किए। लोगों से ये अपील करेंगे कि भाई इतवार के दिन 1 बजे हमारे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, 1 बजे उनकी मीटिंग है,